सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू गेट लेजेंडरी आर्सेनल ब्लूप्रिंट्स इन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लेजेंडरी वेपन्स को लेने के लिए आपको बैटल पास अपग्रेड करना पड़ता है, यह लकी ड्रॉ से आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको सीपी बाय करनी पड़ती है, जो बहुत से लोग नहीं बाय कर सकते हैं। मगर आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप किसी भी लेजेंडरी वेपन को यूज कर सकते हैं मल्टीप्लेयर मोड में। तो अगर आपको लेजेंडरी गन्स चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले आपको आर्सेनल के टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लेजेंडरी नजर आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने सारी लेजेंडरी वेपन्स आ जाएंगी। फिर आपको जो भी लेजेंडरी गन चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने AK-47 सिलेक्ट कर ली है। ये करने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने इस लेजेंडरी गन की गन्समिथ आ जाएगी। फिर आपको उसकी गन्समिथ अटैचमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है और लोड आउट पर क्लिक करना है, और जो आपने लेजेंडरी गन सिलेक्ट करी थी उसको सिलेक्ट करना है और गन्समिथ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अटैचमेंट्स इक्विप कर लेनी है जो आपने लेजेंडरी गन में देखी थी। और अगर आपकी गन के अटैचमेंट्स अनलॉक नहीं है तो आप उसका लेवल अपग्रेड कर सकते हैं XP कार्ड से, या फिर आप मैचेस खेल सकते हैं तो अपग्रेड हो जाएगा और अटैचमेंट्स जो आपके लॉक्ड हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। अटैचमेंट्स लगाने के बाद आप कोई भी अच्छा सा कैमो चूज कर लेना, इससे आपकी गन अच्छी लगेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो लाजमी कर लेना ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें। Freeze when these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these